और आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग दाल का चीला। तो ये 1 बाउल मूंग की दाल हमने ली थी और रात को डिप करके रख दी थी, और अब हम इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना के इसको तैयार करेंगे और इसके फिर हम बनाएंगे चीले। तो अब इस मूंग दाल को हम पीस लेते हैं और इसमें 2 हरी मिर्ची और थोड़ी सी अदरक पीस के इसको अच्छे से 2-3 बार हमने धो लिया था, और अब हम पीस के इसका अच्छा से एक पेस्ट बना के तैयार करते हैं। इसको पेस्ट बनाते टाइम 2 या 4 स्पून पानी डाल दीजिए। रेडी हो चुका है और अब इसमें हमें डालना है, देखो इस तरह से, ना ज्यादा गाढ़ा ना ज्यादा पतला, और इसमें अब हमें डालना है 1/2 स्पून साल्ट और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। पेस्ट हमारा रेडी हो चुका है, अब इसको साइड में रख देते हैं। अब हमें क्या करना है, ये सब कुछ कट कर लेना है, आपकी मर्जी है आप जितना स्टफिंग के लिए तैयार उसमें डालना चाहें सामान। मैंने लिया ये 2 टमाटो, 2 ऑनियन, 1 कैप्सिकम, थोड़ा सा कोरिएंडर और ये थोड़ा सा पनीर। अब इसको कट करके हम लोग तैयार कर लेते हैं। तो ये सब कुछ चॉप्ड हो चुके हैं, अब हमें क्या करना है, एक लेना है फ्राई पैन, उसको गैस पे रखना है और गैस करनी है ऑन, और उसमें डालना है थोड़ा सा ऑयल 2 स्पून। तो अब इसमें ऑयल डाल दिया है, अब इसमें थोड़ा सा हीट बन जाए, थोड़ा सा भाप निकलने लगे, थोड़ा सा गर्म हो जाए, तो अब हमें क्या करना है, इसके अंदर डालते हैं ऑनियन, चॉप्ड ऑनियन, तो ये ऑनियन थोड़ी सी हल्की सी ब्राउन हो चुकी है, आप इसके अंदर डाल देते हैं कैप्सिकम, तो अब आप इसके अंदर हम डालते हैं 1/2 स्पून सॉल्ट, तो अब इसको 2 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं, थोड़ा सा कैप्सिकम ऑनियन सॉफ्ट हो जाएगी और गैस को थोड़ा कर देंगे स्लो, इसको ढक के रख देते हैं। तो 2 मिनट हो चुके हैं, ये देखो अब इसके अंदर डालेंगे टमाटर, हाफ स्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 स्पून धनिया पाउडर, और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा गैस तेज करके इसको 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से ऐसे मिक्स करते रहना है। ये हमारा रेडी हो चुका है और गैस बंद, अब हमें इसके अंदर पनीर गार्निश करना है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लो। अब इसके अंदर थोड़ा सा धनिया डाल दो। अब क्या करना है, एक लेना है फ्राई पैन, गैस चला दो और इसके अंदर डालना है
में ये घोल। हमारा तवा गरम हो चुका है और इसके अंदर डालना है हमें थोड़ा सा तेल। इसको थोड़ा सा फैला लेना है। आप एक टिश्यू पेपर या कपड़े से इसको एक्स्ट्रा ऑयल को हटा देना है। आप इसके ऊपर डालेंगे पेस्ट और वो एक तरफ से घुमाते हुए इसको फैलाना है। और अब क्या करना है, इसके चारों तरफ थोड़ा थोड़ा ऑयल डालना है और यह कि आपको जो पसंद हो वो डाल सकते हैं। तो ये देखिए हमारा ये नीचे से ब्राउन हो चुका है, गोल्डन ब्राउन। और अब क्या करना है, इसको थोड़ा सा इसके ऊपर हल्का सा ऑयल डाल देना है। इसको पलटना है। ये देखिए तो अब हमें क्या करना है, ये स्टफिंग इसके एक साइड में रखने हैं, बीच में रखो। ये देखिए और अब इसको करना है फोल्ड। ये देखिए हमारा कलर कितना अच्छा आ चुका है चीले का। ये देखिए अभी हम और चीला बना लेते हैं। तो चीला हमारा रेडी हो चुका है ये देखिए। और आप इसको चटनी के साथ, सॉस के साथ, किसी के साथ खाएं और कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा। बनाइए, खाइए।